एटीएम कार्ड निकाले आप? हाँ जी, हाँ जी निकाले। एटीएम कार्ड में नंबर है वहाँ देखिए। हाँ जी, हाँ जी नंबर। कंपनी के तरफ से बैंक से कॉल किए ना? क्या बेवकूफ आदमी किसी और को जाके बेवकूफ बनाने। आज थुक पे बना है। चुप चुप। तो ये रही मम्मी पिएगी थुक्पा। अम्मा हाय मम्मी कैसे शर्मा रही। तो पापा डाल रहे हैं हमें थुक्पा एंड ये रहा शुक्पा। थुक्पा शुक्पा राइमिंग बढ़ रही है। तो शुक्पा जो होता है वो हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए इसका खुशबू बहुत ही अच्छा होता है। तो आज हमारा ट्रेडिशनल फूड बना है थुक्पा। तो पियेंगे एक्चुअली ना गाइस थुक्पा पियेंगे अब हम। अच्छा सूटा पा मम्मी बोल रही अच्छा है। मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो ऐसे बनाना पड़ता है देखो। ये पाक बोलते हैं हम लोग। ये सत्तू का बनता है। मम्मी बना के दिखाएगी ऐसे। हाँ फिर उसके बाद इसको ऐसे डिप करेंगे। इसमें थुक्पा लेंगे। थोड़ा संते लग रहा है। संते मतलब गर्म। सो गाइस यहाँ पापा है और हम दोनों कुत्ते को हड्डियाँ देने आए और बहुत तेज बारिश हो रही है। था उतर थिम थिम साफ जगह पर होते सीमेंट तार पर। सो गाइस मैं पापा को बोल रही हूँ कि सीमेंट के ऊपर रखो। ये रहा डॉगी। ये हमारे पड़ोसी का डॉगी है। बस फ्रेंड नहीं है किसी के साथ भी। शीर शीर वाले के बोला। गाइस बारिश पड़ रही है बहुत तेज वाली तगड़ी वाली बारिश पड़ रही है। मैं और मम्मी दोनों पत्थर लगा रहे हैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह फिर से 6 बजे आपकी लगम आ चुकी है अपने फॉर्म में और मैं कर रही हूँ काम। सो देखो आप लोग हार्ड वर्किंग लाइफ। ठीक है यहाँ पे सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। आज मैं कैसे दीजिए। वैसे मैंने मुँह कुछ भी नहीं धोया बट स्टिल मेरा फेस थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। अच्छे से दिखाऊंगी बाद में। ये देखो मेरा फेस काफी ग्लो कर रहा है और काफी अच्छा दिख रहा है। हम जा रहे हैं पानी भरने। ये रहे पापा। आप हाय। सो पापा और हम दोनों जा रहे हैं पानी भरने बिकॉज हमारा सारा पानी खत्म हो गया अभी। वो रही मम्मी। ये हमने जनरेटर लगाया बिकॉज आज लाइट नहीं है और मौसम भी खराब है आज।
गए हैं केन, काफ़ी ज़्यादा केन है आज बनने को। एंड ये रही मैं, आज बहुत फ्रेश फीलिंग आ रहा है, ऐसे सुबह उठ के काफ़ी फ्रेश फीलिंग आती है, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उठती नहीं हूँ। बट मैं कोशिश कर रही हूँ जब मेरा हेल्थी गर्ल एरा शुरू हो जाएगा उसके बाद से मैं हमेशा सुबह उठूँगी, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि सारा काम वाम ख़त्म हो जाए तभी मैं शुरू करूँगी, अभी कुछ टाइम के लिए रहने देते हैं। ये यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 केन हमारे हैं। कैन यू बिलीव 16 केन बनने हैं अभी हमारे को, और वो रहा मतलब हमारे साइड का इकलौता सोर्स है ये पानी का। गर्मियों में आते, सर्दियों में ये पानी नहीं आता, सर्दियों में हम कहीं और से भरते हैं। तो देखो आप लोग, गाइज वी आर डन। पापा वहाँ पे लगा रहे हैं गाड़ी का ढल्ला हमारी दनों का, एंड काफ़ी थक गई हूँ मैं, सारा केन मैंने लिफ्ट किया है। सो चलो अब चलते हैं घर, बाकी अपडेट बाद में दूंगी, थोड़ा नहा धो लेते हैं, बहुत थक गई हूँ मैं। ये रहा मेरा स्टैंड जिसे मैं हमेशा अपने साथ ले जाती हूँ। गाइज मैंने दूध को दबा दिया, थोड़ा सा निकल भी गया, देखो वो सारा दूध मैंने यहाँ फेंक दिया। ओ गाइस, आज हम जो पानी है वो कहीं और रखने, बिकॉज हमारे यहाँ पे काम चल रहा है तो उस वजह से। बाकी देखो वो अंकल देखने, वो अंकल दूध बेच रहे हैं, जब हमारे पास गाय थी तब हम भी करते थे, तो अपना दूध वहाँ रख के जाना पड़ता है आप लोगों को, फिर एक गाड़ी वाला आता है फिर वो उठा के ले जाते हैं उस दूध को, फिर काजन बेच देते। तो एरी की बहुत ज़्यादा याद आती है मुझे, अब वो सर्दियों में आएगी, मतलब अक्टूबर नवम्बर नवम्बर में आएगी शायद, तब मिलाऊँगी आप लोगों से। याद आती है बेचारी की, बिकॉज एक लौती गाय थी हमारी, वो भी चली गई। मौसम थोड़ा हवा वाला हो चुका है तो मम्मी और कार्जन दोनों काम में लगे, कार्जन फाइनली आ चुकी है काम करने। तो ये रही मैं, अभी हम थोड़ा सा ये पत्थर ले जा रहे हैं बिकॉज अंदर बनवाना है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या बनवाना है। सो यहाँ पे इस एरिया को बनना है तो पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, एंड पापा और मिस्त्री लगा रहे हैं यहाँ पे टाइल ब्लैक वाला। हमारा काम चल रहा है टाइल लगाने का, तो मैं और मम्मी दोनों इसमें मसाले चिपका रहे हैं, तो अभी करते हैं फटाफट से काम, ऐसे ऐसे करके लगाना पड़ता है। देखो मैं भी लंदन कितनी टैलेंटेड है, तेरे को बात निकाले आप? हाँ जी हाँ जी निकाले, एटीएम कार्ड में नंबर है वहाँ देखिए। हाँ जी हाँ जी नंबर तो है। कितना कितना है क्यों? वो
अपडेट क्या होगा? नंबर कितने डिजिट का होता है? किसने बोला आपको अपडेट करने को? कंपनी के तरफ से बैंक से कॉल किए ना। अच्छा, आप RBI से हैं? हाँ जी। अच्छा, आसम डिजिट का जरूर कुछ है। हाँ ये कितना डिजिट? लिखो लिखो। बोलो। 2 2 आगे 4 4 हाँ 7 8 तो पगली चौदा है क्या? तो क्या हमारे को बेवकूफ समझाए? हाँ, बेवकूफ आदमी किसी और को जाके बेवकूफ बनाना, ठीक है? शर्म नहीं आती किसी और के पैसा खाते हुए? ना लाइक मेरे हाथ फट रहे हैं, देखो लिटरली मैंने सीमेंट में नंग, मतलब कि हाथ में कुछ नहीं पहन के लगा दिया था, दोनों साइड फट रहे, देखो माय गॉड, यहाँ पे कुछ घुस गया लकड़ी जैसा। सो गाइज, मैं आप लोगों को उन फ्रॉड कॉल वालों के बारे में बताना चाहती थी, मतलब आप लोग भी अवेयर रहना, अगर कोई आप लोगों को बैंक डिटेल्स या फिर ATM कार्ड की डिटेल्स वगैरह मांगे हैं तो सच बताऊँ तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज अपने मेहनत का 1 रुपये भी बहुत बड़ा होता है, और किसी से छीन कर या किसी से चोरी चकारी करके खाना मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी मैं उस आदमी से ज़्यादा ढंग से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि टाइम वेस्ट है ना लिटरली। तो चलो अभी थोड़ा काम है, यहाँ पे हम सीमेंट का गोल बना रहे हैं, अभी हम काम वगैरह करके सारा कुछ फ्री हो चुके हैं, रात के 9 बजे तक काम कर रहे थे। तो अभी मम्मी के कान में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, फिर भी मम्मी मुस्कुरा रही है। तो हम खा रहे हैं टिमोक, ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है अगेन, उसके साथ है भिंडी, तो मैं खा लेती हूँ। तो मेरा ब्लॉग आज यही दिखने वाला है।